हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद में स्पेशल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी बताने वाले हैं। आज हम आपको क्रिस्पी सूजी बाइट्स बताने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छा है वीडियो, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही इंस्टेंट बन जाएगी। टी टाइम स्नैक है, एनी टाइम बना सकते हो आप इसे। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही खस्ता और बहुत दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हो आप। ये पिकनिक्स पे ले जा सकते हो, कहीं ट्रैवल में ले जा सकते हो आप। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिए। इसके लिए हमें एक ग्राइंडर का जार ले लेना है। इसमें हमने 2 कप सूजी ऐड करनी है। 2 कप सूजी ऐड कर लीजिए इसमें। इसे हम अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे ऐसे। अब हम एक बड़ी सी एक प्लेट लेंगे। हम इसमें सूजी को ऐड करेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। आप जितना भी नमक खाते हो, कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से ऐड कीजिए। इसके बाद इसमें हमने 1 टेबल स्पून सिसमे सीड्स ऐड किए हैं, तिल, और इसमें हमने ज़ीरा भी ऐड किया है 1 टेबल स्पून। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम ऑयल मिलाएंगे, वेजिटेबल ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें चाहे तो आप बटर या घी भी ऐड कर सकते हो। हमने इसमें वेजिटेबल ऑयल मिलाया है क्योंकि इजीली अवेलेबल रहता है सबके पास। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बाइंड होने तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसे हम अच्छे से इसे बाइंड करेंगे। वार्म वाटर लेंगे हम, बिल्कुल ही वार्म रहना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। इसका हम अच्छे से डो बना लेंगे। अच्छे से एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, जैसे हमने बनाया है ऐसे सॉफ्ट डो बना लीजिए। इसे हम ढक कर रख देंगे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 15 मिनट्स के बाद हमने ये डो को निकाला है। अब हम इसे रोल कर लेंगे रोलिंग पिन से, अच्छे से इक्वल साइज में। अब हम इसे रोल कर लेंगे। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, कुकिंग रेसिपीज़, इंस्टेंट रेसिपीज़, मेन कोर्स रेसिपीज़, डिज़र्ट्स है, बेकिंग रेसिपीज़ है। बहुत ही इजी बनने वाली चीज़ें, हमने कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली चीज़ें बनाई हैं हमारे रेसिपीज़ में सारे। बहुत ही यूज़फुल रहेगी आपके लिए, झटपट बनने वाले रेसिपीज़ हमारे चैनल पे, कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाले रेसिपीज़ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके लिए ये रेसिपीज़ कितने यूज़फुल रहे, और कौन से सिटी से, कौन से स्टेट से आप हमारा वीडियो वॉच कर रहे हो, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमें बहुत खुशी होगी जानकर कि हाँ, ये वीडियोस हमारे इतनी दूर तक पहुंच रहे हैं। इसे हमने इक्वल साइज़ में रोल कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहे जो भी साइज़, जो भी शेप चाहते हो, आप वैसे शेप कर सकते हो। आप इसे ट्रायंगल्स या आप इसे स्लाइसेस के जैसे भी काट सकते हो, ट्रायंगल्स के। इसमें इसे हमने अच्छे से एक शेप देकर इसे कट कर लिया है। आप भी जो शेप आप चाहे वैसे कट कर सकते हो। बहुत ही खस्ता रहेंगे ये, बहुत ही टेस्टी रहेंगे और बहुत दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए, हमने ये शेप में बनाया है। आप भी कोई भी एक शेप जो आपको पसंद हो वैसे बना सकते हो।
ये कट होने तक आप स्टोव पे तेल रख दीजिए ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि हमने इसे डीप फ्राई करना है। ये देखिए, हमने सारे छोटे छोटे हमने शेप्स देकर पीसेस कट कर लिए हैं इसके। हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे एक एक करके सारे पीसेस इसमें ऐड करेंगे, सारे वाइट्स इसमें डालकर डीप फ्राई करेंगे। इसे सिर्फ गोल्डन ब्राउन करेंगे हम। इसे मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई कीजिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। मीडियम फ्रेम पे करने से ये अंदर भी अच्छे से पक जाएंगे। आप भी मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिए और गोल्डन ब्राउन होने पर आप इसे निकाल दीजिए। बहुत ही झटपट बन जाएगा, बहुत ही इंस्टेंट बन जाएगा, बहुत ही यम्मी टेस्टी रहेगा ये। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन। इसे अब हम निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में डाल के, ताकि हमारा एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। ऐसे ही हम सारे बाइट्स इसमें फ्राई कर लेंगे। आप भी केयरफुली फ्राई कर लीजिएगा सारे बाइट्स। ये बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आप चाय के साथ खा सकते हो, या पिकनिक्स पे, या आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हो, या कभी भी आप बनाकर खा सकते हो। बहुत ही झटपट बन जाएगा और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हमारे घर में जो अवेलेबल रहता है हमेशा, बस वही चीज़ों से हमने ये बनाया है। और इजी वे में, कम टाइम में, कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट टेस्टी बनने वाली रेसिपी है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। और हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे रेसिपीज़ है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद अम्मी स्पेशल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक भी ये वीडियोस पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें बनाने का मौका मिले। वो भी ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे ये रेसिपीज़। आप अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिखिए कमेंट में, और लाइक्स भी करिए हमारे वीडियो पे, लाइक भी करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। हमें देखकर बहुत खुशी होगी कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। हमें और वीडियोस बनाने के लिए हौसला मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। चलिए, हमारे सारे बाइट्स रेडी हो गए हैं। इसे हमने टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। बहुत ही खस्ता बने हैं ये, और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, ऊपर से कुरकुरे रहेंगे। अगर आप कोई ग्रीन चटनी या मायोनीज या कोई और चटनी के साथ भी खाना चाहते हो इसे, तो आप इसे भी सर्व कर सकते हो। पर ये ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार रहेंगे। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह हम एक नया वीडियो लेकर फिर से मिलेंगे, फिर से हाजिर होंगे। ये देखिए, बहुत ही खस्ता बने हैं ये, इसकी आवाज़ सुन सकते हो आप ये, और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहेंगे ये। ये देखिए, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से बहुत ही कुरकुरे है। इसे हम सॉस के साथ खाएंगे, मेयोनीज के साथ खाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।